इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अर्णव गोस्वामी के बाद अमीश देवगन की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल अमीश देवगन पर महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 1 मई की घटना को लेकर अमीश देवगन पर FIR दर्ज कराया गया है। महाराष्ट्र सरकार जहां एक तरफ कोरोना से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया के नफरती चिंटुओं पर भी लगाम लगा रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने अमीश देवगन पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल अमीश देवगन ने 1 मई को अपने शो आर पार में कुर्ला मस्जिद को लेकर गलत खबर दिखाया था और यह कहा था कि मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए पुलिस से मारपीट कर रहे हैं, जबकि वह एक फर्जी वीडियो था। पब्लिक केयर फाउंडेशन के संस्थापक शहजाद खान और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अजीम खान ने अमीश देवगन और उनके चैनल न्यूज 18 के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने के लिए शिकायत दर्ज कराया है। अमीश देवगन पर फेक न्यूज फैलाकर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि अमीश देवगन ने अपने शो में कहा था कि इस समय की बहुत बड़ी खबर ये है कि कुर्ला से तस्वीरें आ रही है। वहां पर नमाज के बाद मस्जिदों में लोगों की ज्यादा भीड़ थी, तो पुलिस वहां पर आ गई और पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। अमीश ने गलत बयानबाजी करते हुए मस्जिद में जमा लोगों की एक क्लिप दिखाई जो दावे के मुताबिक कुर्ला की थी ही नहीं, जिसके बाद अमीश देवगन पर FIR दर्ज कराया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर इस समय की ये बड़ी खबर है। आप खुद सोचिए, ये अपनी जान को तमाम लोग जोखिम में डाल रहे हैं और इनके साथ बदसलूकी हो रही है। हम आपको आवाजें नहीं सुनवा रहे क्योंकि आवाज के अंदर भद्दी भद्दी गालियां पुलिस को दी जा रही हैं। एक व्यक्ति बता दें कि इस खबर को देने के बाद अमीश देवगन ने टीवी पर आकर इस पर अपनी सफाई भी दी थी। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए करेक्शन करना जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी है बतौर चैनल आपको तमाम जानकारियां देना। लेकिन अब क्या फायदा जब नफरत को पूरी तरह फैला दिया गया हो, जैसे ये मीडिया वाले हमेशा करते आए हैं। जिस तरह इन्होंने तबलीगी जमात के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था कि तबलीगी जमात कभी ऐसा कर रहे हैं तो कभी वैसा, और इसमें से ज्यादातर खबरें फेक रहती है, जिसको खुद यूपी पुलिस और कई राज्य के पुलिस वाले बेनकाब करते हैं। ये पहले मुसलमानों के खिलाफ फर्जी खबर दिखाते हैं, फिर जब इनकी पोल खुलने लगती है तो ये आकर माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन तब तक नफरत हर जगह फैल गई होती है। असल में ये जानबूझकर करते हैं क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। इस वक्त अमीश देवगन के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है। अमीश देवगन को तुरंत अरेस्ट करने की मुहिम चलाई जा रही है। अमीश देवगन हमेशा अपने शो में गेस्ट के निशाने पर होते हैं। अमीश के शो में एक लाइव टीवी के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी ने 2 गोल्डन शब्द बोल दिया था, जिसके बाद लोग उसी नाम से अमीश को याद करते हैं। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। शब्द पर आपको खेद है? बिल्कुल भी। आपके प्रति जो मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। और वहीं उनके आलोचक अक्सर उन्हें सस्ता अर्णव गोस्वामी भी बुलाते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब TVN लाइव। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी फॉर थोड़ी मर्यादा रखिए।